जय हिंद साथियों, मैं पंकज मिश्रा वन रक्षक। आज अभी कंट्रोल रूम सीधी वनमंडल सीधी में फोन आया है कि ये सर्किट हाउस के पास नगर सेना एवं आपदा प्रबंधन में कार्यालय में एक सर्प घुसा हुआ है, तो हम लोग अब उसका रेस्क्यू करने चल रहे हैं। चलिए साथियों चलते हैं, और आप लोग यूं ही मेरी वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा उपदेश इन वन्य प्राणियों को बचाने का है, और अधिक से अधिक मेरा यह वीडियो लोगों तक पहुँचाए ही है, जिससे कि लोग बाग अधिक से अधिक इन वन्य प्राणियों को बचाने में हमारी मदद करें। चलिए साथियों चलते हैं और उस सर्प का रेस्क्यू करते हैं। हम लोग अपने बाइक पर ही हैं, ये है, ये असढ़िया सर्प है, ये मैंग सर ने फोन लगाया था। वो है अरे मैंग सर हैं, सर फोन लगाया। सर ये कितने बजे आपने देखा इसे? इसे तो मैं जब ऑफिस आया हूँ करीब 10:30 से देखूँ, पर यहाँ लोग बता रहे हैं कि 6 बजे से घूम रहा था ये। तो क्या था ये नेवला, इसको परेशान कर रहे हैं क्या करें? ये जानकारी नहीं है सर, ये क्या है यहाँ आसपास, क्योंकि अभी नाले का किनारा है, बेसरम वगैरह है, बांस वगैरह है, तो आसपास तो रहता ही होगा। जी जी, भटक के कहीं से आ गया, अब लोगों को देखा तो डर के मारे वो बिल में घुसने। सर आपने बहुत बढ़िया काम किया है, ये प्रकृति का बहुत बड़ा संरक्षक है, खासकर ये सबसे अधिक मात्रा में चूहे खाने वाला सर्प है, और ये कोई विषैला सर्प नहीं है, ये असढ़िया बोलते हैं इसको, घोड़ा भी पछाड़ बोलते हैं, धामन भी इसको बोलते हैं। और चलिए साथियों हम लोग इसका रेस्क्यू करते हैं। निकाला, बीमार है, थोड़ी गैची लाइए, मर चुका का। अच्छा था कुल मिला कि बुढ़ान आए हैं चमड़ी समय, यही ध्यान होनी भैया है। तो वहाँ नहीं है, लहरा ही नहीं है, इसको इसको मैं भी एक बार गांव में देखा, मिट्टी तेल डालने से जी पेटर इतना बड़ा मुंह डाल ली थी गूलर का, तो क्या करे मई न जाई पर बतक के दिखाई दिखाई गूलर गूलर बहुत बड़ा है, दिखे तो है। चलो मर गया ना, हमारा नहीं जिंदा है, हम पता है जिंदा है, देख रहे हैं बहुत बड़ा गूलर का है। इतना बड़ा मुंह नहीं होता, मर चुका है, जिंदा है वो मर गया, उसको भी पकड़े रहो भाई, कहीं सांस ना ले ले, भागे लागे। हाँ भाई तुम बहुत लेट हो यार, वास्तव में पेट फाड़ गया पा। साहब कूलर जहरीला है, स्टोर से खाए जा तहु मत जावे जा, जिंदा है, जिंदा है ये जिंदा है, गूलर जिंदा है, गूलर से ये भी मुझे लगता है रिवाइव हो सकता है क्या साथियों? यह दिखाइए मेरे साथियों, यह मेढक काफी बड़ा था और ये लेके उसको घुस गया दिल में, इसके कारण ये सबकी मृत्यु हो गई।
सांसिंग बंद हो ना, सांस बंद हो गई एकदम ऐसा हुआ मफ्त है मरने के बाद यकीन नहीं हो रहा कि मर चुका है। जानते हैं कौन सा सांस आ रही है। हाँ सही बात है, किसी एक का तो बचा था, मतलब मेढक का भी बच गया। इसीलिए इसके शरीर में हरकत नहीं हो रही ऐसा तो नहीं भैया, ये अनकॉन्शियस हो, मरा ना हो, मर गया है। हुआ क्या कि वो काफी देर अंदर लगता घुस गया थे मुड़ के। दांत बारीक बारीक है, दांत बारीक बारीक है, बारीक बारीक दांत है तम्बू के अंदर। ये दांत बारीक बारीक कहाँ ये खर जीव इसकी ये है, ये जो है दिख रही ना, ये जीव है और इसके दांत ये कितने बारीक हैं सर, देखिए बहुत बारीक दांत, बालू चोक चोक दिखा रहे हैं। नमकीन बिस्कुट ना खा पाई है ना, जो खा के रहा था मैं खा लिया। जहरीले वाले के अंदर दो अलग से दांत होते हैं, वो उसका बाइट फोर्स के जो निशान होता अलग होता है, इसीलिए बोलते हैं इसका मुंह बनेगा। जहरीला नहीं है, अगली बार सड़ी बात जलवा देते हैं करो यार, पत्थर तक आग की व्यवस्था करने में तो माहिर है लोग। साथियों हम लोगों ने इस सर्प को, ये मर गया था बिल के अंदर ही एक मेढा के कारण, जिसके कारण हम लोगों ने इसको जला रहे हैं। आप लोग भी कभी जो सर्प मर जाता है आपके अगल बगल आस पड़ोस, उसको जलाइए जरूर या फिर गाड़ दीजिए, किसी को उसके खुले में मत फेंकिए, या फिर कोई विषैला फर्प है या फिर कोई मवेशी या फिर कोई जानवर खाए उसको हानि पहुंचे, इससे बढ़िया है कि इसको जला दिया जाए। चलिए साथियों मेरी वीडियो में आप लोग यूँ ही बने रहिए, मैं मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर एवं लाइक करें। मेरी अगली वीडियो के लिए आप लोग यूं ही बने रहें। जय हिंद जय भारत।